अस्सलामुअलैकुम, क्या चले आप ठीक हैं? सो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाज़िब हाशमी। मेरा नाम है शुएब शेबाज। जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो जी समझे कि आज हम बनने वाले हैं पुपियां बनने वाले हैं, ट्रेडिशनल किस्म की लड़ाई कराने वाले बनने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे जी कोई टॉप 15 है, टॉप 10 के टॉप 15 जो टिकटॉक है, टिकटॉक कंट्रोवर्सीज, वो डूड यानी कि टाइटल ही बड़ा कंट्रोवर्सी वाला है। So, देखते हैं इसमें क्या होगा। So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए देखने वाले लोग हैं YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। जब किसी बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विजिट करें। सक्सेस भी उसके कदमों में होती है, तो ऐसा भी होता है कि उसके हेटर्स या वो खुद किसी विवाद में पड़ जाए, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया स्टार हैं तो इनकी एक एक बात पर लोगों की नजर रहती है। मेरा नाम है अभिषेक, स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले जाके इनकी वीडियो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रियाज और रेजा की यूट्यूबर अंकित गुरुजी से हुई फाइट के बारे में। तो दोनों यूट्यूबर अंकित ने रियाज के एक दोस्त का इंटरव्यू लिया था। वो दोस्त रियाज के साथ स्कूल में पढ़ा था। इंटरव्यू में अंकित ने कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब उनके दोस्त आदि ने दिया। भाई ये बताओ कि रियल टाइटल क्या है? किसी रियाज को तो काफी जन रियाज अली करके सर्च करता है, रियाज आफरी करके सर्च करता है, रियल टाइटल क्या है एक्चुअली? ये भी जानना बहुत जन आप लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई असली नाम ही नहीं पता चलेगा आपको, तो क्या आप फॉलो कर रहे हो रियाज को? रियल टाइटल तो मेरे को भी नहीं पता। लाइक वो पहले बचपन से लगाता था रियाज सरकार, क्योंकि उसकी मम्मी बंगाली थी बट उसके पापा मुस्लिम है, तो बीच में लगाता था रियाज आफरीन, फिर उसके बाद लगाने लग गया रियाज अली। सो भाई क्या रियल टाइटल? इस इंटरव्यू को जब रियाज और रियाज अली वीजा फ्री तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई उनकी पर्सनल थिंग को सबके सामने बोल रहा है। इसके बाद रियाज और रेजा ने अंकित को कॉल की। उस कॉल की रिकॉर्डिंग अंकित गुरुजी ने अपने चैनल पर अपलोड की। चलिए आपको सुनाते हैं। आदि हेलो। हेलो कौन यार? रियाज दिस साइड। ओके हां बोलो। आई हर्ड यू मेड अ वीडियो रिगार्डिंग माय पर्सनल थिंग। नो आई थिंक सो। या सॉरी He reported, right? I was not informed about it. He never informed about me. You gonna deal with it, bro. Okay, okay, no problem, no problem. Go ahead. Excuse me, hello. Hello, on. Hello, you want to speak something? Hello, who is it? Yeah, this is Nikita. आपको कॉपी राइट कॉपीज स्ट्राइक या फिर कमिटी गाइडलाइंस लाइक जो आपको देना दे सकते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं बोल रहा हूँ नो प्रॉब्लम, आप वो भी करो आप। रियाज ने डीएम्स के थ्रू वीडियो रिमूव करने को बोला। वीडियो तो अंकित ने रिमूव नहीं किए और इसके बाद भी अंकित ने रियाज पर आदि के साथ मिलकर एक और वीडियो बनाया, पर उस वीडियो में अंकित ने रियाज या रेजा का नाम नहीं लिया। ये अंकित गुरुजी का चैनल है, आप चाहें तो सारे वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 पर मिस्टर फैजू की। ये एक बहुत फेमस कंट्रोवर्सी थी जिसके बारे में पूरा इंडिया जान गया था। फैजू ने अपने एक वीडियो में मोब लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी से हमदर्दी जताते हुए वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वो बोल रहे थे कि मार तो दिया तुमने बेकसूर तबरेज अंसारी को, कल अगर उसकी औलादें बदला लें तो ये मत बोलना कि मुसलमान आतंकवादी होता है। उन्होंने सिर्फ लिपसिंग की थी। वीडियो अपलोड होते ही पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो देखकर लोग बोलने लगे कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर का ये मैसेज एक कौम विशेष को आतंकी बनने के लिए उकसा रहा है। हालांकि एक लिपसिंग वीडियो ही था और फैजू फेमस क्रिएटर थे, इसलिए उनका ही वीडियो ज्यादा वायरल हुआ। फैजू पर शिवसेना के एक कार्यकर्ता रमेश सोलंकी ने केस कर दिया। मिस्टर फैजू को एहसास हुआ उन्होंने वीडियो डिलीट करके फैन से माफी भी मांग ली, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। पुलिस में केस दर्ज हुआ था, हालांकि उनके लॉयर ने उनकी बेल करवा ली, पर टिकटॉक इंडिया ने उनका अकाउंट बैन कर दिया। उनके साथ दो और दोस्त सद्दू और हसनैन का अकाउंट भी टिकटॉक से बैन कर दिया गया। 8 महीने उनके अकाउंट बैन रहे पर अब वापस आ चुके हैं। अब बात तो टिकटॉक ही बैन हो गया। ये कोई रैंकिंग नहीं है, मैंने वैसे ही नंबर दिए हैं। मुंबई के एक पत्रकार को अदनान और टीम 07 ने इंटरव्यू दिया था जिस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आए थे। उसके कुछ ही दिनों बाद उसने अदनान को फिर से इंटरव्यू देने को बोला, तो इस बात पर अदनान ने बोला मैं बिजी हूँ अभी इंटरव्यू नहीं दे सकता।
ये बात उस पत्रकार को अच्छी नहीं लगी और उसने अदनान के खिलाफ पुलिस में अदनान के पुराने बाइक स्टंट वीडियो दिखाकर केस कर दिया कि अदनान इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके स्टंट वाले घटिया बंदा था ऑनेस्टली वो, और बच्चों में गलत मैसेज जाएगा। इसके बाद पुलिस अदनान को पकड़ कर ले गई, अदनान से पूछताछ की गई, जिसमें अदनान ने पुलिस को दिखाया और बताया कि ये पुराने वीडियो हैं, मैं अब बाइक स्टंट नहीं करता। इसके बाद भी उन्हें 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रुकना पड़ा, फिर उन्हें उनके दोस्त और लॉयर्स की सपोर्ट से बेल मिल गई। नंबर 7 पर घटिया बंदा था, नेक्स्ट कभी कर लेता के बारे में बात करेंगे। अदनान की दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब वो अपने दोस्त सद्दू के साथ धारावी में जा रहे थे। उसी रास्ते में गणपति विसर्जन की भीड़ आ रही थी। इसका तो पता है, अदनान को खड़ा देख उनके फैंस उनके साथ सेल्फी लेने लगे। फैंस की भीड़ की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने पर विसर्जन में शामिल कुछ लोगों ने अदनान और सद्दू पर हमला कर दिया। अदनान को वहाँ थोड़ी बहुत ही चोट आई क्योंकि ये वीडियो देखी थी, जिन्होंने अदनान को निकाल दिया। इसके अलावा भी अदनान की कई फाइट और कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 पर गरम दिमाग का ये बंदा और दानिश जैन के भाई गोफरान के बीच हुई फाइट के बारे में। दानिश की डेथ के बाद अरिस्पा ने ये रिवील किया कि वो दानिश की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। इसके अलावा उनका इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो में दानिश के लिए रोते हुए भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। उस वीडियो में वो दानिश के लिए बहुत रो रही थी। ये बड़ी देर पहले देखी थी यार। दानिश ये बचपन में देखी थी जब मैं और तू छोटा थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, बट यकीन करना पड़ेगा। रिश्वा छोटी थी, छोटी उम्र थी उनकी, बच्चे नादानी कर देते हैं, फिर पोस्टर तो इसमें मसला नहीं है। माई फ्रेंड, एक फ्रेंड थी जो इसका इंतकाल हो गया था, तुम रो रहे थे और मैंने तुमसे कहा था यार छोड़ो ना, रो क्यों रहे हो, तो तुमने कहा था मैं मरूंगा तो तुम उनके इस वीडियो को बहुत ट्रोल किया गया। एंड दानिश के भाई गुफरान ने ये बोला कि मेरे भाई की मौत पर ये पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, उसके नाम पर फेम हासिल कर रही है। जब ज़्यादा इल्जाम लगे तो अरिस्पा ने गुफरान को एक एंग्री रिप्लाई दिया जिसमें वो बोल रही थी अरिस्पा के नाम से फेम भीख में मिल रहा है तो ले लो, अरिस्पा खान के नाम से आपको फेम मिल रहा है तो भीख में ले लो, भिखारी चले मत करो। हाँ, ये इंटरव्यू लाइक हमने देखा था। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जब ये विवाद हुआ तब वो केवल 15 साल की थी, उन्हें हर चीज की इतनी समझ नहीं थी। और क्योंकि वो टीवी और मूवी में काम कर चुकी थी तो लगता नहीं कि वो कम फेमस थी जो पब्लिसिटी स्टंट कर रही थी। अरिस्पा की माँ ने शांत करवा दिया। अब बात करते हैं नंबर 5 पर सौम्या दौंदकर और आमिर सिद्दीकी की। आप जानते होंगे कि टीम आप जो आमिर सिद्दीकी की टीम है उसमें सबसे फेमस क्रिएटर सौम्या थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सौम्या और उनकी सिस्टर डॉल ने टीम छोड़ दी। अब इसका रीजन सौम्या से किसी ने पूछा तो वो बोली कि उन्हें वहाँ वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो वो डिजर्व करती थी। आमिर ने भी बोला कि मैंने सौम्या को डांट दिया था जो कि मैं करता रहता था, पर कुछ फैंस बोलते हैं कि आमिर ने सौम्या को थप्पड़ मारा था इसलिए उन्होंने टीम छोड़ी। आपको क्या लगता है, सच क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद फैजल और आमिर की तरफ से कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए जिसमें लग रहा था वो सौम्या को निशाना बना रहे हैं। अरे भाई सुना तुम लोग की टीम टूट गई? अरे भाई बेमतलब की दुनिया का किस्सा खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। अब बात करते हैं नंबर 4 पर रिवॉल्वर रानी, लक्ष्य चौधरी और एल्विस यादव के बारे में। ये बात कई बार देखी गई है कि यूट्यूबर एल्विस यादव टिकटॉकर्स को पसंद नहीं करते। मेरे यहाँ से सबसे पहले टिकटॉकर रफड़ शुरू ही नहीं किया, इसको बड़ा बेइज्जत किया शामिर बादशाह ने, जिसमें उनका बड़ी घटिया बातें करता है यूट्यूब पे। हम लोगों को फुर्सत है, चलो लूडो खेलें, इश्क करें। सब चीजें देख के, सब बकचोदी देख के मेरे को एक चीज याद आती है, तुम स्क्रीन पे देखो एक बार। वैसे तो टिकटॉकर्स का रोस्ट आम बात है, पर इस वीडियो में रिवॉल्वर रानी, लेकिन ये देखी भी है बड़ी देर पहले, याद लगी। और उन्होंने इंस्टाग्राम पर बिना एल्विस का नाम लिए एक रिप्लाई वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो टिकटॉक की भी तारीफ कर रही थी। आई नो तुम ये वीडियो देखोगे इवेंचुअली, यू वर माय फ्रेंड एंड यू हैव बीन एन अमेजिंग क्रिएटर, आई टेल दिस टू यू एंड आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू यू, बट आफ्टर आई सॉ दैट वीडियो, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं अपने पार्ट तक तो पहुंची भी नहीं। ठीक है, मैंने पहला पार्ट देखा और मैंने वीडियो बंद कर दिया बिकॉज यू लिटरली यू क्लास डिस्क्रिमिनेटेड इन दैट वीडियो, लाइक हाउ कैन यू डू दैट इन अ लाइव बैकग्राउंड। बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई है, यू हैव बीन एन अमेजिंग स्टूडेंट, आई नो यू पर्सनली एंड यू नो दैट, वेयर इज दैट सेंस ऑफ स्पीच,
हाउ कैन यू क्लास डिस्क्रिमिनेट, हाउ कैन यू बॉडी शेम। देखो टिकटॉक और यूट्यूब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी, छोटा सा एग्जांपल दिया तुम लोगों को, यूपीएससी अलग प्रिपरेशन है, आईआईटी अलग प्रिपरेशन है, तुम दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते साइंस वाले कब ज्यादा मेहनत करते हैं, कॉमर्स वाले कम मेहनत करते हैं, कॉमर्स वाले हमारे वाली साइड पे कुछ ज्यादा है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या फिर इसके बाद यूट्यूब के रोस्टर्स ने हमको और ज्यादा टिकटॉक भी बनाते हैं, जिसमें मेन वायरल वीडियो लक्ष चौधरी का था जो अब YouTube से डिलीट हो चुका है, लेकिन आमिर सिद्दीकी बीच में आ गए, इसलिए रिवॉल्वर रानी से यूट्यूबर्स का निशाना हट गया। और जब आमिर का गाली वाला वीडियो वायरल हुआ तो बहुत आने लगे, उन्होंने बोला कि पता नहीं क्यों मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, अगर डीएम्स दिखा दिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं, और जो लोग दोस्त समझे थे वो ही मेरे साथ ऐसा कर गए। हालांकि लक्ष्य ने बोला था कि कोई उसे गंदे डीएम्स मत करो। अब बात करते हैं नंबर 3 पर आमिर सिद्दीकी और फैजा सिद्दीकी वर्सेस टिकटॉक के कुछ छोटे छोटे क्रिएटर। हुआ ये कि मुंबई में एक जगह टीम नवाब अपना वीडियो शूट कर रही थी, तो वहीं कुछ छोटे क्रिएटर आकर बोले हम तुम्हारे खिलाफ हेट वीडियो बनाएंगे और हम तुम्हें मारेंगे, तो वहां मामला काफी गर्म हो गया, नौबत मारपीट पर आ गई, पर टीम के कुछ समझदार लोगों ने लड़ाई ज्यादा होने नहीं दी। अब बात करते हैं नंबर 2 पर एक बार फिर आमिर सिद्दीकी की। एलएस यादव के बड़ा ही बीच में है आमिर, कमर ले आकर देख आमिर सिद्दीकी सवाल ले दे, इसमें उन्होंने पूरी YouTube कम्युनिटी मेनली रोस्टर्स को टारगेट किया। आइए उसमें कुछ मेन क्लिप देख लेते हैं। मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, मैंने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है, भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी ठीक है, इसके भी ठीक है, क्या बात है यार, आप किसी को नहीं कह सकते, बंदा क्रिंज होते हैं। और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात, तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है, अगर कोई ट्रेंड आता है ना, हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आई भी दे देते, हम यूट्यूब पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। आज इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मानना चाहिए। इस वीडियो ने इंटरनेट बड़े बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं टिकटॉक पे, इंटरनेट पर जाहिलों वाली बेसिकली लड़ाई इंडिया में कभी नहीं हुई, लेकिन इसको ना टिकटॉक आपके अबू का है ना यूट्यूब आपके अबू का। इसके बाद आमिर के खिलाफ हजारों रोस्टिंग वीडियो अपलोड हुए, लेकिन आमिर का टिकटॉक करियर खत्म सा कर दिया कैरी मिनाती के एक वीडियो ने। कैरी के इस वीडियो पर रिकॉर्ड तोड़ लाइक्स आए, जितने कैरी को लाइक्स आए उतनी ही आमिर को हेट मिली, लेकिन कम्युनिटी वायलेंस की वजह से कैरी मिनाती का ये वीडियो डिलीट हो गया, जिससे कैरी के फैंस टिकटॉक को हेट करने लगे, उनकी रेटिंग गिराने लगी, इंडिया में बैन टिकटॉक का ट्रेंड चलने लगा, टिकटॉक की इमेज बहुत खराब हो गई आमिर के वीडियो की वजह से, तो टिकटॉक इंडिया ने आमिर को टिकटॉक से बैन कर दिया। ये एक टेम्परेरी बैन था, इसलिए आमिर का अकाउंट वापस आ गया। नंबर 1 पर बात करेंगे फैजल सिद्दीकी की। फैजल का एक वीडियो इंटरनेट पर एकदम से बहुत वायरल हो गया, जिसमें वो एक लड़की पर एसिड या पानी फेंकते नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो बीजेपी के एक सांसद तजेंद्र पाल बग्गा के पास पहुंचा, उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए रेखा जी को टैग किया। रेखा शर्मा NCW इंडिया की चेयरमैन हैं। तो इस वीडियो पर एक्शन लेते हुए रेखा शर्मा ने DGP महाराष्ट्र और टिकटॉक इंडिया को चिट्ठी लिखी और एक्शन लेने को बोला। इस वीडियो के बाद फैजल ने खुद बोला, ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले अपलोड की थी, जिसे अब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वजह से एडिट करके दिखाया जा रहा है। मैंने लड़की जो एक मेकअप आर्टिस्ट फैबी है उन पे पानी फेंका है, तो एसिड कौन पीता है। फैजल की सफाई के बावजूद भी टिकटॉक इंडिया ने फैजल की आईडी टिकटॉक से बैन कर दी। बैन होने के बाद फैजल ने माफी मांगी और देखते हैं क्या बोला। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी एक वीडियो भी वायरल हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। गाइज वो वीडियो थी 14 सेकंड की और किसी ने उसे क्रॉप करके 9 सेकंड का करके उसे वायरल कर दिया। स्टार्ट का पार्ट दिखाया ही नहीं जिसमें मैं वो पानी पी रहा था।
तो गाइज उसके वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो गाइज मैं कभी ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, ना मैंने कभी ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट किया है। और अगर किसी को भी वो चीज़ों के वजह से हर्ट हुआ हो, मेरी कोई भी बहनों को या सारी लड़कियों को, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा उन सभीों से। और गाइज उसके वजह से आज एक गलत चीज़ किसी ने वायरल कर दी, उसके वजह से आज मुझे राबोड़ी पुलिस स्टेशन बुलाया गया और मेरे पे कार्रवाई भी हुई, और उसके वजह से गाइज मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो गाइज प्लीज़ ऐसे गलत मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें और ऐसी गलत बातें बिल्कुल प्रमोट ना करें। तो दोस्तों ये थी टिकटॉक स्टार्स की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में सो गाइज आगे बेचारे ने 15 मिनट बोल लिया, हम क्या बोले लेकिन अगर अपना ओपिनियन दें ना, अगर अपना ओपिनियन दें तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, यार हमने जब तब भी कहा था कि जब ये फड्डे चल रहे थे ना, हमने तब भी कहा था हमारी वीडियो भी डिलीट हो गई, हमारी आवाज़ जो है वो तब बहुत छोटी थी, आई मीन अभी भी छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन ये कि तब कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, कुछ 2000 बंदे थे जो सुन लेते थे, लेकिन अब चले अल्लाह का शुक्र है कुछ ज़्यादा बंदे सुन लेते हैं। तो तब भी हमने कहा था ये बड़ी फजूल सी लड़ाई थी, लिटरली टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द फजूलेस्ट लड़ाई इन द वर्ल्ड जो मैंने आज तक देखी है। क्योंकि भाई हम टिकटॉक पे आए तो यूट्यूब वालों का पट्टा बहेगा, यूट्यूब वाले टिकटॉक पे आ गए तो टिकटॉक वालों का कुछ रहेगा। यार ये आप दोनों के अब्बा, मतलब अब्बा की यहाँ विरासत में ये ऐप किसी को नहीं मिली, और क्रिंज बंदे हर जगह होते हैं, बेशक यूट्यूब हो बेशक टिकटॉक हो। यूट्यूब पे वो नासिर खान जान जैसे वो बंदे बैठे हुए हैं, यूट्यूब को भी अब हम क्रिंज बोलेंगे, लेकिन लिटरली ये एक जिसे कहते हैं अनफेयर किस्म की लड़ाई, फजूल सी लड़ाई थी मेरे यहाँ से, बंदों की लड़ाई थी। और ये टिकटॉक बनाते हैं, आप टिकटॉक बना जो ना बनाए तो भाई फिर क्या, अगर वो टिकटॉक ना बनाए तो फिर क्या लड़ाई, तो फिर भी लड़ाई तो उनकी वैसे आपस की या ना थी, उनकी आपस की लड़ाई थी। लेकिन चले जी, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें इन चीज़ों से आगाह किया, और लेकिन मज़ा आया ये वीडियो देख के। और बाकी आपको रिएक्शन अच्छा लगा, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम के लिंक मिल सकते हैं, आप वहाँ पर भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। खत्म। बहुत सकते हो गए, दिल सकते सकते हो गया, की करिए की करिए।